नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंद गोभी और प्याज के पकोड़े। इसके लिए मैं एक बोल बंद गोभी, एक बोल प्याज, दो हरी मिर्च और एक कटोरी हरा धनिया चॉप करके ले रही हूँ। अब एक भगोने में बंद गोभी, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देते हैं। सारी सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक या स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कुटी हुई अदरक डाल देते हैं। सभी मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब 2 कटोरी बेसन डाल देते हैं। आवश्यकता होगी तो थोड़ा और डाल देंगे। बेसन को मिक्स कर लेते हैं। चौथाई कटोरी बेसन और डाल देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकौड़ों का घोल तैयार कर लेते हैं। घोल तैयार हो गया है। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा घोल ऑयल में डालते हैं। ये फ्राई होकर ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा घोल हाथ में लेकर ऑयल में डाल देते हैं। जितने पकौड़े कढ़ाई में आराम से आ जाते हैं उतने डाल देते हैं। पकौड़ों को पलट देते हैं। पलटते हुए अच्छी तरह पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। बचे हुए पकौड़े हम इसी तरह बना लेते हैं। गोल्डन कलर का होने पर पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े तैयार हो गए हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। मैंने सारे पकोड़े तैयार कर लिए हैं। इन्हें धनिये की चटनी और सॉस के साथ सर्व करते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।